जा रहे हैं टीचिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं टीचिंग कैसा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कैसे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल ही आएंगे। सिर्फ फैक्ट्स लर्न करने से यहाँ से सवाल नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन, कथन, द पर्सनालिटी ऑफ अ टीचर अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली एंड इज रिलेटेड टू द टीचर। कि जो भाई टीचर की पर्सनालिटी है वो इम्पैक्ट करती है आपकी लर्निंग प्रोसेस को और डायरेक्टली रिलेट करती है टीचर से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। रीजनिंग, द पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर डिसाइड्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाउ वेल वुड द स्टूडेंट्स वुड ओबे द टीचर। कि जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो डिसाइड करती है कि जो स्टूडेंट है उनका बिहेवियर कैसा होगा क्लास में और कितना वो टीचर की बात को मानेंगे। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। तो जैसा कि हमने देखा ये assertion reasoning वाला सवाल, टीचिंग से काफी ऐसे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको assertion पढ़नी है। assertion हमें क्या दिख रहा है, सही है। फिर रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग भी क्या दिख रहा है, सही है। देखो अगर ये इसी पॉइंट पे हमें एक क्वेश्चन सही और एक स्टेटमेंट गलत मिल जाए तब तो हमारा आंसर इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट कंफ्यूजन अराइज कब होती है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो देखते हैं। उसके लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में बिकज लगाकर देखते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली and is related to the teacher because the personality of a teacher decides about the behavior of student and how well would the students would obey the teacher। कि जो भाई आपके शिक्षक का व्यक्तित्व है वो आपके शिक्षण को प्रभावित करता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आपके अधिगम आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और आपके दिए गए अनुदेशों का कितना पालन करेंगे। तो बिल्कुल सही फिट हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से हमें assertion रीजनिंग के क्वेश्चन करने। तो फर्स्ट स्टेप आप दोनों स्टेटमेंट्स पढ़िए, फिर देखिए कि वो ट्रू है या नहीं है और अगर ट्रू है तो उनमें बिकस लगा के आंसर को करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ईज ऑफ लर्निंग अवेलेबल इन ऑनलाइन लर्निंग विच ऑफलाइन लर्निंग कैन नॉट ऑफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जिसमें हम आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बेसिकली जो फिजिकल डिस्टेंस को क्या नहीं करता, कंसीडरेट नहीं करता, और ऑफलाइन जिसमें फिजिकली सबका साथ में प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो भाई क्या ऐसा फैक्टर है जो ऑनलाइन लर्निंग कवर कर पा रही है मगर ऑफलाइन लर्निंग कवर नहीं कर सकती। पहला, कवरेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरिया। अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी या अधिगमों को अपने साथ जोड़ना। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो आपके ऑडियो यानी जिनको आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, विजुअल जो देख सकते हैं, ऐसे शिक्षक सहायकों का प्रयोग। लॉन्गर रिटेंशन यानी कि लंबे समय तक चीजें याद रखना। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, सबके सब। अब भाई ऑफलाइन में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ाया गया भी लंबे समय तक याद रह सकता है मगर ऑफलाइन लर्निंग सब एरिया से स्टूडेंट कवर नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए।
ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द अबव्स। एनटीए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन जरूर देगा। जैसे इसमें से अगर फोर्थ पे कुछ और पॉइंट दे देता दे तो ऑप्शन दे देता दे सेलेक्ट करने के लिए, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3, 4, तो यानी एक ऑप्शन जरूर देता जो सबको इंक्लूड करता। लेकिन हमें ये फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा फैक्टर जो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं, ऑनलाइन हो सकता है ये सब करता हो, मगर वो पूछ रहा है वो फैक्टर जो ऑफलाइन में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ए। तो हमें क्वेश्चन को समझना है, वही मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MOOCs। अब MOOCs क्या है? MOOCs है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था ताकि हम हर एरिया से स्टूडेंट्स को कवर कर पाए, उसके लिए हमने क्या किया है, MOOCs बनाया है। ये क्या है फिर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए कोर्सेज अवेलेबल कराना। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कोर्स कंटेंट फॉर लर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वेब। आपको इंटरनेट पर, वेब ब्राउजर्स पर क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ द ऑफरिंग यूनिवर्सिटी ओनली कैन बी एडमिटेड इन द MOOCs, कि भाई जो स्टूडेंट ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो ही किसमें एडमिशन ले सकते हैं, MOOCs में एडमिशन ले सकते हैं। सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो ऐसा नहीं है, MOOCs तो बल्कि बनाया उनके लिए जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो दे कैन गो थ्रू द MOOCs एंड कंटिन्यू देयर स्टडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंटेंट आपको सारा कहाँ अवेलेबल होता है, वेब पर अवेलेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अगर आप शिक्षण में सहायता लेने के लिए संचार व संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए सही है। सबसे पहली, इट चेंज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। आईसीटी जो आपका इंस्ट्रक्टर कौन हुआ, अनुदेशक कौन हुआ, शिक्षक और अधिगम के बीच के रिलेशनशिप को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। मेड इट अ नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स टू बी टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड, कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके लर्नर्स हैं और जो आपके टीचर हैं वो टेक्नोलॉजी में स्किल्ड हो, मतलब पूरी तरह से कौशल हासिल कर चुके हो। सी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। क्या आईसीटी के यूज करने से टीचर और लर्नर के बीच के रिलेशनशिप में चेंज आता है? नहीं, कोई चेंज नहीं। अगर ऑफलाइन आप बैठे हैं और ऑनलाइन आप बैठे हैं, इससे टीचर और लर्नर के बीच के प्रोफेशनलिज्म पर फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मेक इट अ नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स टू बी टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड, क्या दोनों का स्किल्ड होना जरूरी है? देखो, अगर यहाँ लिखा होता टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है तब ये सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है स्किल होनी चाहिए भाई, टेक्निकल आपके अंदर प्रॉपर आप स्किल्ड होनी चाहिए। यानी अगर मुझे आपके आईसीटी को यूज करना है टीचिंग के अंदर तो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो फैक्टर हमें यूज करना है अगर उसकी भी हमें बस बेसिक नॉलेज भी है तब भी हम आईसीटी को यूज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी नन ऑफ द अब, ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। फिर है, इफ द स्कूल इज अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन टेकन ऑन पेपर्स इन द स्कूल, कैन इट बी कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड
टेस्टिंग में जब वो साफ साफ लिख रहा है द टेस्ट आर टेकन ऑन द पेपर्स, तो हाउ वी कैन से दैट इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, नो एज टेस्ट वर गिवन ऑन द पेपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं टीचिंग से आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली ऐसे ही देता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे देता है, नीचे ऑप्शंस दे देता है, असर्शन रीजनिंग दे देता है। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करते हुए दोनों सारी स्टेटमेंट्स को सही पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, फिर ऑप्शंस क्या गिवन है वो देखना है। बेसिकली हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। स्टेटमेंट्स में आप ये पता लगाने की बजाय कि क्या सही है, ये पता लगाइए कि क्या सही नहीं, इससे आपके आंसर्स हो जाएंगे। ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका पार्ट टू देखने के लिए जुड़े रहिए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ। थैंक यू।